आज सुबह एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं सफल होना चाहता हूं, मैं सर परेशान हूं, मैं पढ़ता हूं किताब निकालता हूं, पढ़ने को मन नहीं करता सर, मैं कोई काम करता हूं मन खराब रहता है, किताब छूने का मन नहीं करता, कमरे में जाता हूं मन नहीं लगता सर, बेचैनी छाई है सर, सफल कैसे हो आप मुझे बताएं सर। हमने उस बच्चे को एक कहानी सुना, पता है क्या है, हमने कहा कि आप आराम से मैं जो कहता हूं उसको बारीकी सुनो। एक लड़का था तुम्हारी तरह, वो आइंस्टीन के पास गया, उसने कहा मैं सफलता पाना चाहता हूं, सफलता का राज क्या है, मैं सफल होना चाहता हूं। आइंस्टीन के पास वो लड़का गया, आइंस्टीन ने कहा बेटा कल आना, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं, कल बताऊंगा सफलता का राज क्या है। वो लड़का तैयार हो गया कि भाई आज आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक मुझे सफल होने के राज सिखाएंगे, तो आज तो मैं सफल हो ही जाऊंगा। वो लड़का कल पहुंचा, आइंस्टीन कुछ काम कर रहे थे, आइंस्टीन कर क्या रहे थे कि एक दीपक की लौ से उन्होंने एक पॉट रखा और पॉट ऐसे बंद था, उन्होंने इस पॉट में दीपक की लौ दे रहे थे और लड़के ने कहा सर मैं आ गया हूं। आइंस्टीन ने ध्यान नहीं दिया, फिर कहा सर जी मैं सफल होने के लिए आ गया हूं। आइंस्टीन ने कहा बेटा मेरी मदद करो। बच्चे ने कहा सर क्या, उसने कहा कि बेटा मैं चाहता हूं इस पॉट हवा में तैरे, मैं चाहता हूं कि पॉट हवा में तैरे, मैं इसके अंदर आग लगा रहा हूं ताकि हवा में तैरे। लड़का कहा सर आपकी जो लॉ है ना बहुत कम है, इस लॉ में हवा में नहीं तैरेगा सर। आइंस्टीन बोले क्यों, तो बोला उस लड़के ने कि सर आंच को और तेज कीजिए, इसमें ज्वाला फैलाइए और तब ये पॉट हवा में तैरेगा। आइंस्टीन ने वैसा ही किया, यहां पे टेम्परेचर था 25 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे टेम्परेचर उन्होंने 100 डिग्री करवाया। लड़का ने कहा सर 100 डिग्री कीजिए, आंच को और तेज कीजिए और ज्वाला दीजिए तब यह हवा में तैरेगा। उन्होंने और हवा दिया और बाद अभी भी यह पॉट हिल रहा था, ये पॉट हिल रहा था, ये पॉट तैर नहीं रहा था, हिल रहा था, आगे बढ़ने को प्रयास कर रहा था बट बढ़ नहीं पा रहा था। तीसरे कंडीशन में क्या हुआ कि आइंस्टीन ने कहा अब क्या किया जाए, लड़के ने कहा कि सर इसके आंच को 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर खोलाया जाए, इस पॉट को अगर 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलाया जाए तो ये पॉट हवा में तैरने लग सकता है, हवा में तैर जाएगा ये। आइंस्टीन ने वैसे ही काम किया, इस पॉट में 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक की आंच दी गई, अब ये पॉट हवा में तैरने लगा, ये पॉट हवा में तैरने लगा। जब तैरने लगा तो आइंस्टीन मुस्कुराए। आइंस्टीन ने कहा उस बच्चे से सफलता का यही राज है। क्या बच्चा नहीं समझ पाया, आइंस्टीन ने समझाया कि जब हम सफल होना चाहते हैं तो हमारे अंदर चाहत कितनी है, हम कैसे सफल होना चाहते हैं, कितनी चाहत रखते हैं। क्या तुम्हारी चाहत दीपक की लौ की तरह है कि कोई आकर कहा यहां पढ़ो, कोई आकर कहा वहां पढ़ो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। क्या तुम इस तरह से तुम्हारे दीपक की लौ की तरह तुम अपने पॉट अपने शरीर को अपने माइंड को गर्म कर रहे हो? अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्या तुम स्टॉप की लॉ की तरह खोला रहे हो? क्या तुम स्टॉप की तरह उसे तेज कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो सफल हो सकते हो, लेकिन तुम हिलते दुलते रहोगे। हो सकता है तुम्हारे अंदर जोश हो आग हो लेकिन सफल नहीं भी हो सकते हो, लेकिन जिसके अंदर हर मामले में जिसके अंदर आग हो ज्वाला हो सफलता पाने की, जिसके अंदर ज्वालामुखी जलने की हो, 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सफलता पा लेता है, वो कुछ भी कर जाता है, वो कुछ भी पा लेता है। और ये सफलता पाने की आग होती है आपके अंदर। क्या ऐसी आग है कि आप सफल होने के लिए अपने आप को तपाने के लिए तैयार हैं? आप देखिए अपने आप को, ये आप हैं और ये आपके आपका जो है तस्वीर है, आप यहाँ पे हो, ये आपका इन्वायरमेंट है, ये आपकी दुनिया है और आप इस दुनिया में ये पूरे यूनिवर्स में आप एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हो, आप छोटा सा पार्ट यहाँ पे हो, इस दुनिया के सारे लोग हैं। अब आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन आप सफल होना चाहते हैं, ये सफल होने के लिए ये लेयर है। पहले आप एक साइंस की भाषा में समझें, जब हवाएं ठंडी होती हैं, आप मुझे बताना, हवाएं जब ठंडी होती हैं तो बोलो बेटा क्या होती हैं, जमीन पे बैठती है ना, हवाएं ठंडी है, हवा चल रही है, जमीन में सटा हुआ है। जब हवा गर्म होता है, जब हवा गर्म होता है क्या होता है, वो फ्लाई करता है। जब किसी में गर्मी हो तो क्या होता है, फ्लाई होता है, फ्लाई होता है, फ्लाई हो रहा है, राइट। अब ये फ्लाई हो गया, उड़ गया। अब देखो कि जब हवा उड़ा ऊपर तो यहां पर स्थान हो गया वैक्यूम,
और ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी खाली स्थान नहीं रह सकता, ये प्रकृति का नियम है कि खाली स्थान नहीं रह सकता। इसको भरने के लिए तेज हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है, आंधी चलती है, तूफान चलती है, ये तेज हवाएं से इसको भरने का प्रयास करती है। और फिर जब हवा टकराती है फिर गर्मी होता है, फिर हवा फ्लाई करता है, फिर हवा उड़ता है ऊपर। बोलो, ऐसा साइंस आपने पढ़ा होगा ना, यही प्रकृति आपका अपना है। आप क्या करते हो कि आप दिन भर सुस्तीपन में पड़े रहते हो, आपका जो डाउनवर्ड्स होता है ऐसे आप सोए रहते हो, यह प्रकृति है तुम्हारा। जब एक व्यक्ति इसमें से किसी एक का सफलता मिल गया, ऊपर उठ गया, तो आप उसके पास भागते हुए जाते हो, उसके पास दौड़ते हुए जाते हो कि भाई मुझे सफलता पाने का ट्रिक्स बताओ, क्योंकि इसी भीड़ में से, इसी भेड़ में से, इसी ग्रुप में से एक लड़का सफल हो गया, अब एक खाली स्थान हो गया, वैक्यूम हो गया, इसको भरने के लिए हजार बच्चे आ गए कि भाई वो सफल हुआ मैं भी सफल होऊंगा, वो सफल हुआ मैं भी सफलता पाऊंगा, क्योंकि दिल्ली जाने से सफल हो गया मैं भी दिल्ली आऊंगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि सफलता पाने के लिए दिल्ली की नहीं दिल की जरूरत है, सफलता पाने के लिए माइंड की जरूरत है, सफलता पाने के लिए गर्म होने की जरूरत है, सफलता पाने के लिए उड़ने की जरूरत है, सफलता पाने के लिए 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलने की आवश्यकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के मौसम में आंधी तूफान ज़्यादा आता है, सुना है आपने, क्यों भाई, क्योंकि हवाएं गर्म होती है, गर्म होती है ऊपर उठती है, ऊपर उठती है स्थान खाली होता है, और खाली स्थान संभव नहीं है, उसको भरने के लिए हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं तेज आएंगी, भरेगा भरेगा। उसी प्रकार आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको इस प्रकृति में सफलता पाने के लिए आपको गर्म होना पड़ेगा, आपके अंदर माइंड से बिल्कुल खेलना पड़ेगा, आपके अंदर डेडिकेशन हो। पढ़ने मन नहीं लगता, आप सोए रहते हो, आपके अंदर आलसीपन है, आप पड़े रहते हो। आप देखो उसको जो सफल हो रहा है, वो क्या सो रहा था, क्या वो खेल रहा था, नहीं, वो सिर्फ पढ़ रहा था, उसके अंदर आग थी, ज्वाला थी, वो खोल रहा था, वो उड़ना चाहता था, वो देश को दिखाना चाहता था, वो कुछ पाना चाहता था, वो दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहता था, सफल हो गया। आप इस तरह से आप काम करोगे, आपको सफलता मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को पूरे विश्व में फैलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से इस पूरे भारत में फैलाइए उसको, जो व्यक्ति आलसी पढ़ा।